वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीरबल का महल। चलिए चलते हैं बीरबल के महल की तरफ। दोस्तों, हम मैप में देखें तो जैसे ही हम जोधा भाई के किले से एंटर करेंगे और राइट साइड से सीधे जो रास्ता पकड़ेंगे तो सबसे लास्ट में जो महल आता है वह आता है बीरबल का। इसे हम जूम कर देखते हैं। जोधा भाई के राइट साइड से सीधा रास्ता पकड़ेंगे तो बीरबल का महल। चलिए आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो राजा बीरबल का बचपन का असली नाम महेश दास था और उनका जन्म 1528 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो मौत हुई थी वो हुई थी 1586 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर परिषद के 9 सलाहकारों में से एक तथा 9 रत्नों में से एक थे। दोस्तों, अब दिखाते हैं हम आपको बीरबल का महल जो 9 रत्नों में से एक थे राजा अकबर के। चलिए चलते हैं। दोस्तों, ये राजा बीरबल का महल था जो उस टाइम पर जो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। दोस्तों, बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी के मुगल कालीन प्रसिद्ध महलों में से एक है। इतिहास के अनुसार यह महल अकबर की बड़ी रानी रुकैया बेगम तथा सलीमा सुल्तान बेगम का निवास स्थान के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। हिंदू और मुगल दोनों वास्तुकलाओं का प्रभाव होने के कारण यह महल अद्वितीय है। दोस्तों, ये तो बीरबल का महल था या बीरबल का घर कह लीजिए जो यहाँ पे रहा करता था। और ये जो था अस्तबल, मतलब घोड़ों को बांधने के लिए काम में लाया जाता था। जैसे ना आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, जो देख रहे हो अब
दोस्तों इस जगह पे ना घोड़ों को बांध दिया जाता था, इसे ना ये अस्तबल के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। हैं? दोस्तों ये था मतलब बीरबल का, जैसे ये तो घुड़सवार जैसे घोड़ों के लिए अस्तबल के रूप में प्रयोग किया जाता, लेकिन जो मकान था वो बीरबल का ये था जो अकबर ने है ना बीरबल को दिया था। लेकिन क्या हुआ था कि जो उनके ब्रदर अल्लाह थे उन्होंने उनके जलन के कारण उन्होंने है ना बीरबल ने ये मकान फिर इन्हें छोड़ दिया था, खाली कर दिया था, फिर ये वो दूसरी जगह चले गए थे जैसा क्या इतिहास में बताया जाता है। आ जाओ आ जाओ। दोस्तों हमने देखा था कि वो तो घुड़सवारों के लिए था, ये शायद मेरे ख्याल से ये सैनिकों के रहने की जगह हुआ करती थी। यहाँ पे ना सैनिक है ना आराम किया करते थे, जैसे ना कहीं और से आके यहाँ पे आराम किया करते थे और वहाँ पे घोड़ों को बांध दिया करते थे। बनाया तो सही है। गिलहरी और ये पेड़ पूरा ही सूख चुका है। तो कितना पुराना हो गया है। नहीं नहीं वहां से नहीं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।